कलमे की बात ले लो, यह है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के, और जो ये नहीं मानता उसके सजदे देख लो कितने दरों पर करता है। जगह जगह वो पेशानी रगड़ रहा होता है, कभी अना की जमन में, कभी माल और दौलत की जमन में, कभी हैसियत, कभी दुनिया के मकामात, कोई पहलू ले ले। तो जब आप जो कोई घटता रहा बुतों को, जो कोई बतों की तामीर भले सीने में करता रहा, वो सब फजूल है। मोहताज मोहताज की क्या एहतियाज पूरी करेगा, ये तो शान उसकी है जो बेनियाज है। जो कादर मुतलिक है, ये तो शान उसकी है। और जब सिफात बारी ताला देखें, जो जब्ते तहरीर नहीं है लेकिन उसके यहाँ हिसाब में है, तो जब उसके हिसाब से अता होगा तो फिर अता वो अपने हिसाब से करता है भाई, उसकी अपनी शान। आम किसी सवारी पर कोई गुजर रहा हो तो कोई हाथ फैलाए और उसे वो कम पैसे दे तो वो उसे वापस देखता है, कहे नहीं ना, उसकी आंखें सवाल करती हैं कि इतनी बड़ी सवारी पर बैठे हो, अपनी सवारी के मुताबिक ही दे दो। जब सदका खैरात दे, रहमत को लाजिम फरमाए, गजब से रहमत को जायद फरमा, बहानों से माफ फरमा, तुहिब्बुल अफ, वो बहानों से माफ फरमा, उसे महबूब है माफ फरमाना। तो जब उसकी निस्बत से हिस्सा मिलेगा तो फिर है ही हर शह महदूद, तो हम महदूद में क्या समझ पाए। जब वुस्सत आएगी, जब जब ये उकदे खुलेंगे, जब पर्दे हटेंगे, हकायक आएंगे, फिर समझ आएगी कि अल्लाह करीम का जो करम और एहसान है ये कितना बड़ा है। और होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या करें। मुझसे किसी ने, दोस्त ने एक सवाल किया था, मुख्तलिफ मौजूआत पर बात हो रही थी, तो मुझसे उन्होंने सवाल किया और कहने लगे कि ये बताएं कि हम अपने अपने ममालिक की बात करते हैं, अकवाम की बात करते हैं, लेकिन कुल जब जहान में आप उम्मत के हालात देखते हैं तो हम कुल्ली तौर पर गिरावट का शिकार हैं, हम तनजली का शिकार हैं। अल्फाज कुछ भी हों लेकिन उनकी जो बात या सवाल था वो यही था। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा इसका बड़ा सादा सा जवाब है, वो खसूसियात जो इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाई थी, जिसकी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, वो खसूसियात सबब बनी इस उम्मत के कमाल। आज अगर हम जवाल की बात करते हैं, उन उसूलों का मौजूद ना होना कर दी, इतनी नालायकी कर दी कि ना दीन रहा ना दुनिया रही। तो दीन की तकमील है और फिर हम गिर्दो पेश देखें कि कोई हमें सहारा दे, जिसे अल्लाह जल्ला शानू बंदगी की निस्बत अता फरमाए, जिसे जिस मखलूक को बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजे, वो फिर सहारे ढूंढे। कोई बात अकल وينهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون। अब कितने ही पहलू जिंदगी के हैं, ये जो अगली आया करीमा इन्होंने लिखी है, कुछ लिखी छोटी है, कुछ पढ़ी भी मुश्किल से जाती है, लेकिन ये भी बार बार पढ़ी जाती, बार बार दोहराई जाती, हम बार बार सुन रहे हैं। अच्छा, इसी में आप देखें कि कितना कुंबा खानदान और घर मजबूत होता है इस मामले से, लेकिन जब हम अपना हाल देखते हैं तो अजीजदार जितने सफर किए हैं उनमें बंदा जितना भी कौन जहन हो आखिर देख तो रहा है, कोई सुन भी रहा है, कोई बात कर रहा है, किसी का तजर्बा सुन रहा है अपनी ना समझ से। जिद्दत जो दुनिया में मैंने देखी है ना, हर उस जगह पर मुझे जाने का मौका मिला है जहाँ ये जिद्दत, आज की जो जिद्दत है,
ये अपनी बुलंदी पर है। हालांकि आज तो ये सोचा जाता है कि आने वाले 10 साल में 20 साल में जिद्दत वहां होगी, लेकिन अगर तारीख इंसानी को देखिए तो ये अरूज जवाल बड़े रहे हैं। तो ये नहीं है कि अरूज का अरूज ही होगा, अरूज के साथ जवाल भी आ सकता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उसमें जो मैंने देखा है कि इस जिद्दत में जब इंसान को एक मशीन के पुर्जे की तरह या एक मशीन की तरह बनाया गया है, तो फिर इसके अंदर वो जो जिंदगी की खूबसूरती है वो न रही कि इसे सुकून नसीब। बजायर एटिकेट्स के नाम पर, बजायर अल्फाज के जो गोरख धंधे हैं उनमें हम बेशुमार अल्फाज सुनते हैं, लेकिन अगर इस सारे हसूल के बाद वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं, समझ नहीं आती। फिर इस सारे के बाद खुदकुशी क्यों करता है भाई? खुदकुशी कोई शौक से या खुशी से कर रहा? फिर उसे वो आइसोलेशन में ये जिंदगी ले जा रही है। क्यों? वो कहता है मेरी जिंदगी है। आप यकीन माने, मैं एक दोस्त को मिलने गया, मैंने पहले भी ये बयान में बात अर्ज की थी, तो उसे ओल्ड होम्स में ठहराया गया था कि अच्छी टेक केयर हो सके। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, फौत हो गया बेचारा। तो मैं उसके लिए गया कि उसे पूछते हैं, आप यकीन माने जब मैं दरवाजे से दाखिल हुआ तो जो राहदारी थी उसके दोनों तरफ कमरे थे और उसका कमरा कहीं आखिर में था। जो पहले कमरे से जिस शख्स ने मुझे देखा उसके चेहरे और उस चेहरे पर हसरत को देखकर यकीन मानो एक दफा दिल गिरफ्त हो गया कि किसी का तो कोई मिलने आ रहा है, जाने मेरा भी कोई आए कि ना आए। अगर आज ओल्ड होम हमारे घरों और हमारे मुआशरे में भी इसकी जरूरत आ गई है, क्योंकि पिछले दिनों मुझे किसी ने ये बात कही, उसने कहा अल्फला फाउंडेशन के तहत आप बहुत काम करते हैं, एक और काम की बहुत जरूरत है। क्या? उनका जी टेक केयर होम्स होने चाहिए, जो है बुजुर्ग लोग जो है उन्हें संभालने का निजाम कोई नहीं होता। मैंने कहा मैं इसको क्या जवाब, हमें जरूरत ओल्ड होम्स की नहीं है, हमें जरूरत ईमान की। ईमान हो तो माँ बाप जो ज़हीफ़ है उन्हें बंदा सर पर क्यों ना बैठाए, निवाला उनके मुंह में क्यों ना उन्हें खिलाए, वो बाहर लगते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फैसला दिया अंत व मालु कले अभी, कि तू और तेरा माल मलकियत है, मिल्क है तू वालिद। तू कहता है कि वो अपनी मर्जी ना करे, कैसे कहता? तो मैं सोच रहा था कि देखो जिस जिद्दत को हम कदम ब कदम चलने के पीछे पीछे कोशिश कर रहे हैं, और हजरत रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ा फिक्रा फरमाया करते थे, अक्सर ये बात फरमाया, वो कहते थे कि तुम दीन से हटकर बेदीनी के पीछे चल रहे हो और चाहते हो कि इस पीछे चलने से तुम बराबरी पर आ जाओ, अगर चल पीछे रहे हो बराबर कैसे हो? तो जब अपने कल्चर को हम ये समझेंगे कि जिद्दत बेदीनी में है तो फिर पीछे लगे रहो सारी जिंदगी। लेकिन तकमीले दीन हमें बता रही है कि तुम्हारे पास नुस्खा पूरा है, दवा पूरी है, तेरी हर बीमारी का इलाज है, तू दवा खा तो सही। फिर जब बात अमल पर आती है तो मैं अपनी बात को समेटते हुए ये अर्ज करूंगा कि जब बात अमल पर आती है तो आज यहां जहां हमें ये बैठना और हम कलामी नसीब हो रही है, ये कोई बिलमूम जगह नहीं है, ये मक्कतुल मुकरमा है। हम हदे हरम में बैठे, एक बात का हिसाब लाखों में बात आती है। फोन को दोबारा मिलाना उनका कट गया। चलो आ जाते। तो ये जो बात आती है ना नजाकत की, ऐसे अल्लाह साहब को राजी रखे जो काल एक दफा मिला लेना, अटेंड ना हो तो वो फिर मिला ही रखता है कि जाना किधर, अटेंड क्यों नहीं कर रहे।
तो अब ये जब यहाँ से रुकते हैं तो फिर अगला बयान रुक जाता है, मुझे यहाँ से जाकर एक दफा फिर बयान करना पड़ता है। तो ये चले तो मुझे ये है कि एक बात में मेरी बात पूरी हो जाए, और बात का तसलसल आ रहा है। तो बात जो मैं कर रहा था वो नज़ाकत की ये कर रहा था कि यहाँ जहाँ हम महदे हरम में बैठे हैं ये कोई बेलमूक जगह तो नहीं, लेकिन जहां जहां से हम आए हैं आज इस नशिस्त में हम अगर गौर करें तो हम दुनिया के कोनों से आए हैं। अल्लाह का शुक्र है अफ्रीका से भी साथी आए हैं, फार वेस्ट से भी साथी आए हैं, इंग्लैंड यूरोप मिडल ईस्ट से भी आए हैं, सब कॉन्टिनेंट से भी आए हैं। आगे इसी तरह आप चले जाएं ऑस्ट्रेलिया से आप कहें, जापान से आप कहें, मलेशिया से कहें, कोरिया से कहें, और शायद मेरे इल्म में ना हो कि और किस किस जगह से साथी हों, लेकिन अगर हम ये कहें तो हम ग्लोबली, ये मुख्तसर सी हमारी नशिस्त जो है ये एक ग्लोबल नशिस्त बन सकती है। जहां जहां से आए हो वहां जब कबे को देखते हो तो वो क्या बोलता है, काहे काहे करता है, ऐसा ही है। तो यहां जब इस अजमत वाली धरती पर कवे को बोलते हुए सुनोगे तो क्या बोलेगा, काहे काहे बोलेगा। तो समझ आई कि बात तो यहां नियत की है, जो नियत का खोट वहां होगा वही नियत का खोट फिर यहां भी होगा। अगर ऐसा ना होता तो अबू जहल तो सारी जिंदगी इसी बैतुल्ला की छांव में बसर कर गया, वो क्यों इतना बदकार होता, इतना गुनाहगार होता है, इतना बदबख्त क्यों है। बात यहाँ की है, जब बात यहाँ की है तो फिर ये जो अल्लाह अल्लाह पर जमा हो यही तो सफाई का सबब। लिकुल शैन सकालतुन व सकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह कमा काल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तकमील है मेरी और आपकी सांसें जो हैं चल रही, कब तक हैं अल्लाह बेहतर। पढ़ना वैसे कमजोरी है, सामने लिखा हुआ है उसकी जेर जबर नहीं समझ आ रही, बंदा कहे ना कि बड़ी ज़ईफ़ी है, नहीं डॉक्टर ने भी पूरा जोर लगा, ऐनक लगाओ ऐनक लगाओ, अभी तक तो नहीं लगाई, लेकिन अल्लाह अल्लाह से बचाए। लेकिन यही अल्फाज जहाँ जेर जबर की एहसास नहीं आ रहा, यही मुझे याद है कि बेशुमार दूर जगहों पर निशानदेही खुद मैं करता था कि देखें फलां जगह क्या है, वो जगह उस जगह पर कोई हरकत है, शिकार पर जाते थे तो ये सारी चीजों से जंगलों में वीरानों में गुजर। तो अभी अपना दिल नहीं मानता, अपना वजूद नहीं मानता, देखने में भी एक धोखा आता है, तो वजूद का ये हाल है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कब तक है क्या है, लेकिन ये हर एक के साथ है ना। इसको रिक्वेस्ट करें कि आप ही का नंबर मिलाया है या किसी और को भी पहले मिलाया है, कंटिन्यूअस लगा हुआ है बंदा। अच्छा तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह करीम आसानियां अता फरमाए। मैंने कोशिश की कि आज भी उमरा जो है वो इज्तमाही तौर पर कर लिया जाए, वो कि मेरे लिए मुश्किल हो गया था बहुत, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज का भी हमारी उम्र हो गया, अल्लाह कबूल फरमाए और हमारी गलतियाँ और कमजोरियाँ कोताहियाँ अल्लाह ने माफ़ फरमाए। क्योंकि जब हम अमल की नस्बत अता के पहलुओं से देखते हैं तो भी बेशुमार है, और जब हम अपने अमल को अपनी कमजोरियों की नस्बत देखते हैं तो फिर शरीर काम, हमें तो नहीं मालूम होता, जाते जाते बोलते बोलते कदम उठाते देखते जाने कहाँ क्या नुकसान का सबब हम कर जाए। हम तो नहीं उस बारीकी को जानते लेकिन वो तो नजरों को भी जानता है, जो नजर है वो तो उसको भी जानता है। तो बेशुमार कमजोरियां अल्लाह हमें माफ फरमाए, ये सफर यहाँ रहना ये सारी आसानियां भी अता फरमाए और शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। तो सुबह जो इनका प्रोग्राम है वो ये है कि ज़ियारात के लिए निकलना है, तो दो हिस्सों में चूंकि ख़वातीनों हज़रात का फिर इकट्ठा बुक करना भी मुश्किल हो जाता है और फिर एक हद जो है उसका भी महाल हो जाता है। तो
खवातीन जो है वो सुबह ज़ियारात के लिए सफ़र कर लेंगी जोर से पहले तक। अहबाब में अगर किसी ने उम्रे पर जाना हो, उम्रा करना हो, जो भी इबादत करनी हो अपनी कर लें, फिर जुहर के बाद फिर हजरात जो हैं उन्हें फिर वो ज़ियारात के लिए ले जाएंगे, तो दो हिस्सों में ज़रा आसानी हो जाएगी, इंतज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। तो अल्लाह करीम खैर वाफियत से रखे। लेकिन ज़िंदगी है ना जी, अभी मैं यहाँ था तो किसी जो फैमिली है उनकी पीछे फौतगी हो गई, तो बीबी हमारे साथ है, मियाँ पीछे फौत हो गए, तो ये ज़िंदगी है, अब किसी को क्या पता। वो कह रही थी कि मुझे उन्होंने पूरे एहतमाम के साथ बाकी फैमिली के साथ भेजा, बाकी फैमिली भी है उनकी, लेकिन जो वहाँ रहा उसकी ज़िंदगी तमाम हो गई। अब यहाँ आकर हमें क्या पता कि हमारी यहाँ तमाम हो गई, क्या पता हो। अल्लाह जाने नसीब फरमाया, हमारे साहब मजाज यहाँ आए थे, आई शकील साहब, तो मियाँ बीवी दोनों आए थे, हम बीवी यहीं दफन करके गए, वहां पहुंचे अपना वक्त पूरा हो तो उसी महीने में जिस महीने पहुंचे वहां खुद दफन हो। एक निजाम है जिंदगी का, ये चल रहा है। अल्लाह करीम इस्तकामत के दीन अता, हमारा ये मिलना, हमारा ये बैठना, अल्लाह इसे खालिस हमेशा दीन पर रखे, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। तो जो सुबह उम्र अपनी उसमें करना चाहे कर लें। तो मैंने कोशिश तो इसीलिए आज भी की कि ताकि तकरीबन जो आने वाले साथी हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, अब कोई रहते हैं जो आ रहे हैं, तो एक दफा इज्तमाही उम्र हो। लेकिन कल भी अर्ज किया था, ना बात ना मानते हैं ना सुनते हैं, तो वे मुझे भी किसी जगह नहीं बैठने देते हैं, जहाँ बैठूं जब आप रश करते हैं वो मुझे भी उठा देते हैं कि पता नहीं यहाँ क्यों इकट्ठे हो, निकलो यार। तो ये ख्याल किया करें जो एक किसी जगह पर, मतलब यहाँ है ना, मैं जाता हूँ ना जब जी वेस्टर्न ममालिक में, अल्लाह की मखलूक है, वहाँ मुसलमान भी बचते हैं गैर मुसलमान भी बचते हैं। एक बात मैं तरबियत में ज़रूर कहता हूँ, जहाँ जाते हो वहाँ के असूल और जाबते उनका लिहाज किया करो। मैं गैर शरी अमूर की बात नहीं करता, लेकिन जो असूल और जाबते यानी जो आपके कवानीन वहाँ हैं, जो दीनी हिस्से से न टकरे उस पर अमल किया। अब यहाँ जहाँ बैठे हैं मुसलमान मुल्क है, जहाँ हम हाजिरी के लिए जाते हैं खाने खुदा है, फिर वहाँ जब हम ये बारीकी नहीं देखेंगे तो फिर कहाँ जाकर देखेंगे। तो ये ख्याल रखा करो, ये जो कैफी शोभा है ना, इसके लिए कहने सुनने की जरूरत कोई नहीं पड़ती। ये इनकास ऐसा है, हम तो शीशा रख के कहते हैं ना कि इनकास हो, तो शीशा देख रहे होते हो ना, तो जो कुछ मुनक्किस हो रहा होता है वो भी देख रहे होते हो ना, जो तस्वीर मुनक्किस हो रही है या रोशनी मुनक्किस हो रही है देख रहे हो ना। तो ये तो ऐसा नज्म है कि इसके इनकासी हिस्सों में जिससे मुनक्किस हो रहा है उसे भी ना देखो तो कोई हर्ज नहीं, नीयत दुरुस्त हो, अमल दुरुस्त हो दीन के मुताबिक, वो फुर रहीम अता फरमा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।